नमस्कार, मैं हूं आदाब खान और आप देख रहे हैं जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबरों की तरफ। अधिवक्ता के खिलाफ पीड़ित युवती ने कराई दैहिक शोषण की शिकायत दर्ज। नरसिंहपुर के एक अधिवक्ता के खिलाफ दैहिक शोषण की शिकायत के करीब 10 दिनों बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। मामले में दिन प्रतिदिन जारी नाटकीय घटनाक्रम के दौरान बुधवार को युवती थाने पहुंची, लेकिन देर शाम तक मामला दर्ज नहीं हुआ। बाद में युवती का अस्पताल में मुलाहजा कराया गया। युवती का आरोप है कि अधिवक्ता से कलीम से उसकी पहचान लगभग 6 साल पहले एक प्रकरण के संबंध में हुई थी। फोन पर लगातार संपर्क करते रहे, बाद में उन्होंने भेला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद भी अधिवक्ता ने शिकायत वापस लेने लगातार दबाव बनाया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि किसानी बाड़ निवासी एडवोकेट से कलीम के खिलाफ युवती की शिकायत के आधार पर धारा 376 एवं धारा 376 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। नरसिंहपुर से राजन भैयू मिश्रा की रिपोर्ट। उन्होंने हमें शादी का झांसा दिया कि वो हमसे शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, और उन्होंने हमें प्रेग्नेंट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि कैंसर है, उन्हें बहुत से साथ और ये घटना 2014 की बताई गई।